मुरादाबाद के जिला चिकित्सालय में सरकारी शव वाहन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने उसके रखरखाव को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों एक मरीज को शव वाहन समय से न मिलने पर समस्या खड़ी हो गई थी और मीडिया में खबर भी प्रसारित हुई थी, जिसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने शव वाहनों को दुरुस्त रखने के लिए काम शुरू कर दिया है। साथ ही साफ सफाई के साथ जो व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए भी जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बेहतर व्यवस्थाएं करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल CMS डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस के दौरान सरकारी शव वाहन जनता के लिए सेवा कर रहा था। काफी समय से वाहन बंद था और ऐसे में कुछ समस्याएं खड़ी हो गई थी। उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम काम कर रहे हैं और वाहन पूरी तरह से बिल्कुल ठीक है, दयनीय नहीं है। वो एक्चुअली बीच में कोविड में भी ये गाड़ी चलती रही है कोरोना के दौरान, तो क्योंकि जब कोरोना के मरीज को छोड़ते हैं उसके बाद तुरंत इसको सैनिटाइज करते हैं, तो सैनिटाइज होने की वजह से जो लोहा है उसमें जंग लग गई है, तो हम इसमें जो है पेंट करा देंगे। कितने वाहन हैं सर? दो वाहन हैं हमारे यहाँ, 100 वाहन दो हैं। तो उसमें जो कमियां उनका सुधार किया जा रहा है? हाँ, कमियां कुछ नहीं है, कमियां बराबर चल रही हैं गाड़ियाँ और चलने वाली प्रक्रिया में पूरा है, बराबर चल रही हैं। तो सैनिटाइजेशन की वजह से उसमें थोड़ा सा जंग लग गई है, उसमें पेंट करा दिया जाएगा तो वो अंदर का हिस्सा ठीक हो जाएगा। एक आदमी को वाहन नहीं मिल पाया था, क्या कमी थी उसमें? नहीं नहीं, वाहन हमारे यहाँ उपलब्ध था, उसके परिजनों ने ये कहा था कि मैं अपने परिजन उनके आ जाएँ तब वाहन से जाएंगे। वाहन बराबर खड़ा रहता है और उसमें बराबर तेल है और मूव कर रहा है वाहन। फिलहाल अब वाहन को ठीक ठाक किया जा रहा है? नहीं, वाहन हमेशा सही रहा है, जो उसमें थोड़ा बहुत पेंट वगैरह नहीं है वो पेंट करा दिया जाएगा।